मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई की फिर जगी आस। विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का बयान, सुरक्षा परिषद के 15 में से 14 देश भारत के साथ। शिवसेना के निशाने पर फिर मोदी सरकार, उद्धव ने अच्छे दिन के नारे को बताया अमृत तृष्णा। चुनाव पूरे होने तक बजट टालने की भी मांग। चुनावों के बीच बजट सत्र पर विपक्षी पार्टियों ने उठाए सवाल, 16 पार्टियों ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। जयललिता की मौत पर फिर उठे सवाल, मद्रास हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में इलाज के तरीकों की जांच की मांग। 9 जनवरी को होगी सुनवाई। यूपी में 403 सीटों पर 7 चरणों में होंगी वोटिंग। पहले चरण में 73 सीटों पर वोटिंग, आखिरी चरण में 8 मार्च को 40 सीटों पर मतदान। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी पार्टियों ने किया जीत का दावा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, यूपी में इतिहास बनाएगी बीजेपी तो अखिलेश को भी दोबारा सत्ता में वापसी का भरोसा। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन की कार्रवाई शुरू, कई शहरों में हटाए गए राजनीतिक पोस्टर।